अभी देखो, जैसा कि तुम सभी लोगों को पता है कि हमारे YPEM भाई की जो खूबसूरती है ना, वो 2012 के अंत की तरह है, जिससे मतलब कोई भी लड़की नहीं बच सकती। जैसे लास्ट टाइम करीना जी नहीं बच पाई थी और उन्होंने कोलैब कर लिया था YPEM भाई के साथ, इस बार भाई YPEM भाई की सिडक्टिव खूबसूरती को देखते हुए ना भाई जैकलिन जी ने कुछ भेज दिया YPEM भाई को। जैकलिन फर्नांडिस सेंट मी दिस। जैकलिन फर्नांडिस मैम की वो एक वीडियो क्लिप देखो एंड भाई उसके बारे में मतलब भाई मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ। हाय युधुप्रियम, आई होप टू मीट यू समडे इन द नियर फ्यूचर। भाई देख रहे हो भाई, तुम्हारे घर की तो काम वाली भी तुम्हें सही से मुंह बना के नहीं देखती। यहाँ पे तो भाई YPEM भाई की खूबसूरती से मतलब चंबित होके भाई जैकलिन जी मिलना चाहती है YPEM भाई से। देख रहे हो, किस्मत हो तो भाई YPEM भाई जैसी, या तो किस्मत हो या फिर ऐसा सिलेक्टिव लुक हो भाई, दोनों में से एक चीज तो होनी चाहिए। ₹2,00,000 का अपग्रेड इन गेमिंग पीसी, मोटा खर्चा। वायर लेने के लिए आया था, ये वायर मैंने दो लिए, एक एक्सटेंडर और ये भाई। वाह भाई साहब, यार ये तो कुछ ज्यादा ही मोटा खर्चा नहीं हो गया? मतलब यार कम से कम 1,00,000 रुपए की तो होगी भाई ये वायर। यार मेरे को दोनों केवल 80 रुपए की मिल गई। यार मतलब ह्यूजिया बनाने की भी यार कोई हद होती है, मतलब जो YPEM भाई ने बिल्कुल ही क्रॉस कर रखी है। क्यों बनाते हो इतना? तुम वैसे मुंह पे बोल दिया करो हमारे कि भाई तुम चूतिए हो, और इतनी मेहनत भी क्यों कर देते हो भाई तुम? देखना वैसे तुम ध्यान से देखो ना वीडियो में, तुम्हें मोटा और खर्चा दोनों चीजें दिख जाएंगी। भाई मतलब देख लो यार, मैं कैसे बताऊं यार, मुझे तो दिख गई। रिवीलिंग माय गर्लफ्रेंड फाइनली। एक तो भाई पता नहीं बंदा हर दूसरे महीने अपनी गर्लफ्रेंड रिवील करता रहता है, ऐसी पता नहीं भाई कितनी दर्जन भर गर्लफ्रेंड बना रखी है YPEM भाई ने। चलो भाई देखते भाई इसमें कौन सी गर्लफ्रेंड रिवील हो रही है। आपकी कोई अभी गर्लफ्रेंड है? अगर नहीं है तो आपको गर्लफ्रेंड बनानी है फ्यूचर में, इसका जवाब अंकल जी देंगे। अंकल बताएंगे भाई? अंकल क्यों बताएंगे? मतलब YPEM भाई को बंदी बना रही है नहीं बना रही, ये अंकल बताएंगे। पहले बताओ मेरी कोई गर्लफ्रेंड अभी है? दिमाग खराब मत कर, दिमाग खराब हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ फोकस है कि भाई मैं अभी अपना जो बिजनेस है पहले लाइक ये कमाए। हाँ, सही बता रहा हूँ, जैसे इस बंदे ने ये एक्शन करके दिखाया ना, मतलब मैं ना यार अंदर से ही अनकंफर्टेबल सा महसूस करने लगा। मुझे लगता है कि अब मेरी लाइफ ना पहले जैसी कभी नहीं रहेगी, मतलब मैं ये चीज तो अंडू भी नहीं कर सकता ना। काश मैंने यार ये ना भाई कावासाकी निंजा S2 ऑलमोस्ट क्रैश्ड। भाई देखो इस वीडियो में ना तुम्हें पता चला कि हमारा YPEM भाई ना हमारी जिंदगी में ऑलमोस्ट क्रैश्ड का ना मतलब कैसे चेंज कर रहे हैं धीरे धीरे। अरे भाई ये क्या हो, बीच रोड पे देख रहे हो भाई, ये था इस बंदे का ऑलमोस्ट क्रैश। मतलब दैट पर्सन वाज लाइक कि वहां फोटो खिंचवा रहे हैं, यहाँ पे बीच रोड पे के फोटो खींच रहे हैं। वैसे मोनू भाई दूसरों को तो तगड़ा ज्ञान पेल देते, लेकिन मोनू भाई को चलती भाई पे हाथ छोड़ के यार हवाबाज भी तो बनना है। नहीं मतलब भाई ये भगवान का बच्चा है ना, कि अभी इसके सामने अगर कोई कुत्ता आ जाए दौड़ता हुआ तो एकदम से बाइक कंट्रोल कर लेगा बिना हाथों के, क्योंकि भाई ये भगवान का बच्चा है। भाई देखो उन लड़कियों की हरकतों की वजह से तो तेरी कावासाकी S2 क्रैश नहीं हुई, लेकिन भाई तेरी हरकतों की वजह से जरूर हो जाएगी। बीच रोड पे फोटो खींच रहे हैं आप कहां के ज्ञानी बाबा? ये क्या हो गया, पागल पागल हो गया क्या, चक्कर आई है? बीमार बच्चों की तरह हंस के दिखा रहा है। मजा सा आ गया ना। पेट्रोल पंप गाय वांट्स राइड इन लैम्बोर्गिनी। क्या हुआ भैया, बहुत गाड़ी लग रही है, लग रही है भैया बढ़िया भैया भाई। अरे लेकिन YPEM भाई वो राइड तो दिखाओ, मतलब भैया राइड कहाँ पे मांग रहे हैं आपसे, लैम्बोर्गिनी की आपकी? आपने तो टाइटल में यही लिखा हुआ है ना। मतलब मोनू भाई आपने क्या उस बंदे की आत्मा के अंदर झांक लिया था कि उसकी आत्मा आपसे बात कर रही थी कि मुझे राइड चाहिए YPEM भाई की लैम्बोर्गिनी में? भाई मैं सही बता रहा हूँ, तुम इस बंदे के सामने या फिर इस बंदे की गाड़ी के सामने दिख मत जाना, कहीं पता चला कि तुम्हारी फोटो थंबनेल में डाल के लिख दे कि ये बंदा मेरी गाड़ी पे जीप से पोछा मारना चाहता है, ये बंदा चाहता है कि मैं अपनी लैम्बोर्गिनी इसके सीने पे चढ़ा दूं। भाई कुछ भरोसा नहीं है भाई, नकली काम करने में वैसे एक्सपर्ट है बंदे। भाई सही बता रहा हूँ, पेट्रोल पंप वाले भैया को तो इस बंदे पे ना भाई डेफेमेशन केस करना चाहिए। घर से निकलना है और चाबी पता नहीं कहाँ चली गई है घर की, तो अब मेरे को काम करेगा ये एयरटैग। आई विल क्लिक दिस प्लेस साउंड एंड लेट्स सी कहाँ की है। हाँ तो नहीं है ये भाई, कोई भी नहीं बोला कि जद्दू भाई यहाँ पे अपना एप्पल टैग चमका रहे थे। भाई देखो मतलब यार अब भले ही चाबी सामने ड्रॉर में पड़ी हो, लेकिन भाई नहीं मिल रही थी भाई जद्दू भाई को, हो सकता है ना मिल रही हो भाई। अब भाई जब तुम कोई चूतिया चीज खरीद लेते हो तो यार तुम्हें उसका यूज भी तो करना होता, तो जद्दू भाई यार अपनी जबरदस्ती व्लॉग में शो ऑफ करके यूज कर रहे हो उसको, यार वो जद्दू भाई के ऊपर है ना यार। कहता हूँ अपनी गाड़ी को पेट्रोल पंप है, तो भाई आते ना एक्शन हमेशा अलग अलग से आते हैं भाई, आप जरा जाके वो वाली वीडियो क्लिप्स देखो। मतलब वाओ भाई, मतलब इस वीडियो में ना भाई रिएक्शन के अलावा ना सब कुछ था। मतलब भाई कौन सा रिएक्शन है भाई, मतलब ऐसी रिएक्शन तब भी आता है जब कोई इंसान अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाता है, और ऐसी रिएक्शन तब भी आ रहा है जब YPEM भाई अपनी ऑडी R8 में और लैम्बोर्गिनी में डलवा रहे हैं पेट्रोल। अभी तो है नहीं कि भाई वो बंदे नाच रहे गा रहे हो उछल कूद कर रहे हो भाई इसकी गाड़ी में पेट्रोल डालते हुए। भाई जैसे एक आम इंसान गाड़ी में पेट्रोल डालता है वैसे ही डाल रहे हो अभी। इसमें भाई क्रेजी रिएक्शन कहाँ आ गए? बाइंग सुपर रेयर स्नीकर्स इन दिल्ली, 15,00,000 के शूज। ओहो भाई देख रहे हो यद्दू भाई तो पूरे नवाब के
चाचा हो रहे हैं, मतलब भाई जितने के तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है उतने के तो यद्दू भाई भाई जूते पहन लेते हैं। 80,000 के शूज है, 80,000 के तेरा घर जाएगा इसमें। अरे मोनू भाई इतनी जल्दीबाजी में कहाँ जा रहे हो यार, 15 लाख के जूते तो दिखा दो, 15 लाख वाले जूते कहाँ हैं? वो तो मैं खा गया यार। देखो मैं नीचे पार्किंग में आ गया हूँ, मेरा कुछ ना कुछ अभी खुराफाती करने का मन कर रहा है, कोई तो नीचे की तरफ दिखाओ। वाओ भाई, मतलब क्या खुराफाती करा है ना इस बंदे ने। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि इस बंदे ने असली की गोली टिका दी अंकल के अंदर, लेकिन भाई जैसे तुमने बचपन में माउजर वाली बंदूक देखी हुई ना जिसमें छर्रे वाली गोलियां निकलती थी, तो भाई अगर वो तुम्हें वो भी गुद्दी में पड़ती थी तो बड़ी तेज लगती थी और लाल निशान बन जाता था। और भाई जिस हिसाब से इस बंदे ने अपने टैंक की गोली चिपकाई है ना अंकल की टांग पे, भाई सही बता रहा हूँ, आज अंकल पूरे दिन बैठ के अपनी टांग ही मस लेंगे। अंकल को तो बेचारे को पता भी नहीं था अंकल के साथ क्या होने वाला है, इसने तो प्रैंक ही कर दिया भाई अंकल के साथ, एकदम से बोला कि भाई अंकल कैमरा नीचे करो और एकदम गोली चिपका दी। तो एक्चुअली दिस कैन शूट ऑल्सो, इसको गोली वोली मार देंगे, बहुत ज्यादा मजा आएगा। अरे भाई साहब नए बदमाश ने जन्म ले लिया भाई, गोलब भाई के बाद लग रहा है धरती पे, भाई मैं तो अब घर से बाहर ही नहीं निकलूंगा, सही बता रहा हूँ। तेज लगी भाई, ये बंदा पूछ रहा है अंकल तेज लगी आपको, अंकल एक काम करो एक बार ना इसे टैंक छीन लो और इसकी ना नंगी टांगों पे एक गोली बजाओ और फिर इससे पूछो कि भाई तेज लगी क्या ये तू भाई आपको। कहाँ जा रहे हो, इधर तो आओ। भाई जिस हिसाब से अंकल इस टैंक से दूर भाग रहे हैं ना, इससे साफ पता चल रहा है कि भाई अंकल की कितनी तेज पड़ी होगी वो, मतलब तो अंकल के मन में खौफ बैठ गया होगा इस टैंक का, रात रात को सपने आएंगे अंकल को इस टैंक के। लेकिन भाई अपने यद्दू बदमाश को देखो, यद्दू बदमाश ने तो अंकल का खिलौना ही बना दिया, मतलब मजे ले रहा है। कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही जेने मन, अरे खड़े हो जाए बीच में, गोली मारनी है। एक नंबर की पार्किंग मिल गई हमें बिल्कुल एंट्रेंस पे। हाँ भाई मतलब सही में यार, मतलब कितनी सेक्सी पार्किंग मिली है ना इसको, भाई पार्किंग ना उस दीवार के लेफ्ट साइड पे है, ना कि आप एंट्रेंस पे ही खड़ी कर दो अपनी गाड़ी, ऐसे तो मैं भी बीच रोड पे खड़ी करके बोल दूंगा भाई क्या पार्किंग मिली है मुझे, क्या मतलब भाई लोग अपनी गाड़ी निकाले कहीं और से, भाई रोड तो मैंने घेर ली ना अभी। भाई वाईपीएम भाई अगर आपकी तरह चार लोगों ने और खड़ी कर दी ना ऐसे यहाँ पे गाड़ी, तो वहाँ पे एंट्रेंस तो ब्लॉक हो जाएगी वहाँ की। बट भाई वाईपीएम भाई से यार कोई बोल नहीं पाता यार, क्योंकि यार वो बदमाश है भाई, भाई गोली वोली इतना टिका देना, मतलब समझ रहे हो, इसको गोली वोली मार देंगे बहुत ज्यादा मजा आएगा। बाइंग हेलीकॉप्टर एंड रोल्स रॉयस, मतलब ये टाइटल पढ़ने के बाद तो ना मैं अपने 8 मिनट वेस्ट भी नहीं करना चाहता इसकी वीडियो देख के, क्योंकि मुझे पता है इन दोनों में से कोई सी भी चीज नहीं मिलेगी मुझे देखने के लिए। ढोल बना दूंगा बचेंगे थपेड़े, न्यू मैं करता नहीं बखेड़े, पर आज जरूरत थी गलत नहीं होने देना, सिखा मैं मेरे गांव के खेड़े, मेरे